हमने इनके लिए वो लिए थे वहां से, मैंने आपको बताया भी था कि एक कैमो वाली कैप ली थी, वो तनिष्क के लिए ली थी, मैं नाम भूल गई थी उस वीडियो में बताना कि मैं नाम याद नहीं आ रहा था तनिष्क का, और कुछ के लिए हमने टोए लिए थे, वो वही रह गए। तो कुछ मैं वो या तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर न्यू कर दूंगी और या फिर मैं कुरियर करा दूंगी, ठीक है। तो चीकू यहाँ पे ये प्ले कर रहे हैं, आपको मैं एक बार एक कार दिखाऊंगा, तब तक आंटी आपको होम टूर देंगी। ओके जब तक मैं आपको होम टूर दे देती हूँ, ठीक है कपिल। हाँ तो कि पहले सबसे पहले एंट्री से शुरुआत करते हैं। तो ये है मेन एंट्री, यहाँ से लिफ्ट और फिर ये है मेन एंट्री यहाँ की, और इसके बाद है ये नेट वाला दरवाजा था और एक ये है। लाइट ऑन कर दे तनिष। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो ये आ जाता है यहाँ पे ब्यूटीफुल सा हॉल, और यहाँ पे रखे हैं सोफे टेबल, और ये टेबल मामूली टेबल नहीं है, दिखाना है तनिष ये टेबल में एक बड़ा राज छुपा के रखा गया है। क्या है वो राज? ये यहाँ पे ये भैया ने ऐसे इसको मॉडिफाई करवा रखा है, बस सारे मत निकालना। तो यहाँ पे ये टेबल भी हो जाती है और आप यहाँ पे बैठ के इवनिंग में पूरी फैमिली के साथ में कितने भी आदमी हो इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक भाभी ने बना रखा है प्यारा सा मंदिर दीदी ने, तो ये है एक बार, तो ये है छोटा सा इनका प्यारा सा मंदिर। ये है इधर पेंटिंग है, अंदर ही है ना ये? हाँ, नहीं, कांच है। कांच का। और ये यहाँ पे आ गया गाड़ी बनाते बनाते, और हॉल में है एक ब्यूटीफुल सा समुंदर के नीचे का पार्ट है जो यहाँ पे पेंटिंग के उसमें दिखाया गया है, और ये छोटा सा वॉश बेसिन है इधर, और एक यहाँ पे ये बेड डाला हुआ है किचन के जस्ट सामने, ये इधर अंदर की। तो किचन का भी मैं बाद में बताती हूँ क्योंकि अभी कपिल कर रहे हैं कुकिंग। तो ये है पूरा हॉल का व्यू, देख लो पहले हॉल, हॉल दिखा रही हूँ मैं अभी आपको। ये पूरा बेड है और यहाँ पे लगा रहे हैं कपिल तड़का। हाँ बेटा, मैरिनेट यहाँ पे फ्राई करेंगे अभी, प्याज भूनने के बाद ये टमाटर का पेस्ट डालेंगे, है ना। तब तक मैं बाकी का दिखा देती हूँ, तब तक आप जारी रखिए, किचन का बाद में दूंगी सबसे एंड में। और इसके बाद जाते हैं हम बुआ जी का और फूफा जी का रूम। तो ये है, हाँ ये है बुआ जी का और फूफा जी का रूम, और ये है भैया, भैया की फोटो जवानी के टाइम की, देख लो अभी आपने देखा पीछे और अभी है अभी इनका बेटा खुश, ये पीछे भी जा रहा है रुक जा मुझे वीडियो बनाने दे। तो ये एक अच्छा वो सेटअप है इस रूम का दोनों के लिए, फूफा जी का बेड, बुआ जी का बेड, और इसके बाद ये इनका एक ये इनका ऐसे वार्डरोब है, ऐसे ऐसे, और इनके ऊपर ये रैक है। हाँ ये वार्डरोब है, ये ऐसे ओपन हो जाते हैं। और इसके बाद है यहाँ पे ये सामने ये क्या है, ये आटा पीसने की वो ना, ये आटा पीसने की चक्की है इधर, और ये इधर कुदर ज्यादा रखते नहीं बुआ जी फूफा जी, ये डोगी है यहाँ पे, ये टीवी लगा रखा है इन्होंने, ये कुछ भी अपना रखने के लिए डेकोरेशन का, हाँ दवाइयाँ वगैरह, फूफा जी थोड़ा बीमार थे काफी, तो और ये यहाँ पे चक्की है, और ये यहाँ पे है वॉशरूम, ये यहाँ का वॉशरूम है, और बुआ जी और फूफा जी के रूम का बाहर ये बालकनी है। तो ये बालकनी हॉल से अटैच है, उधर हॉल से भी अटैच है ये वाली, हाँ। तो ये है इतनी बड़ी बालकनी, इसमें भाभी ने यहाँ पे मशीन रखी हुई है दीदी ने, और ये कपड़े सु वगैरह यहीं सुखाते हैं। तो इधर और ये इधर इतना अच्छा सेटअप है, ये देखो ये आ गए हैं हॉल से, और हॉल से ये वाला आता है, और इधर से ये एंट्री है एक, तो ये दोनों बालकनी अटैच है, और इधर ये शूरक, और ये है यहाँ का प्यारा व्यू, ये यहाँ पे रहते हैं। तो ये नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और
ये है यहाँ का ब्यूटीफुल सा नज़ारा। तो चलिए अभी चलते हैं सीधा हॉल में डायरेक्ट, उस रूम को बंद कर दो बच्चा पार्टी। तो इधर है, इधर भैया ने अपनी एक और फोटो लगा रखी है, ये जवानी की, ये देखो शादी से पहले की है ये। ओके, और यहाँ पे ये दीदी ने कुछ डेकोरेशन के लिए रखा, और ये है यहाँ पे इनकी अलेक्सा है ना, अलेक्सा है, और ये है हनुमान जी की मूर्ति, और यहाँ पे भी एक ये टेबल है, हॉल का हो गया। अभी मैं लेके चलती हूँ किचन में आपको दोबारा से। तो इनके प्याज हो चुके हैं थोड़े से गोल्डन ब्राउन, मिक्स अच्छा हो रखा है आंटी, इनका मैम ही मंदिर। ओके, और ये कलाकारी दिक्कत, बी केयरफुल, कुछ लग जाएगी बेटा, ध्यान से। तो ये बच्चा पार्टी इधर इंजॉय करते हुए, और ये कुछ कलाकारी करता रहता है, नहीं वो तो ये यहाँ पे मैं आपको किचन की एंट्री दिखा देती हूँ, ये है किचन की एंट्री। तो यहाँ पे सामान रखा हुआ है दीदी ने, ये इनका फ्रिज है यहाँ पे, मैं अंदर से भी एक बार दिखा देती हूँ, ये देखो ये फ्रिज इनका प्यारा सा, इतना बड़ा फ्रिज है, नारियल रखे हुए हैं, और ये है भैया ने बनाया था जो बूंदी का रायता, अमेजिंग दिख रहा है देखने में, बहुत ही डिलीशियस, अंदर रख दो इसको। और यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना के रख ली हैं, और दीदी के सर में थोड़ा दर्द, रेस्ट कर रही हूँ। हाँ बेटा, तो अभी किचन थोड़ा मैशी है बट, हाँ एक मिनट आती हूँ वहाँ तक। तो यहाँ पे ये चिमनी है, इधर ये चाय के मग्स वगैरह रखे हैं, ये गैस है, ये सब आपको तो पता ही, और ये जैसे आटा रखा है, और ये चम्मच और नाइफ वगैरह रखने का है, इसमें जैसे बड़े बर्तन रख देती हैं दीदी, और इसमें भी बड़े बर्तन रखे हैं, और इसमें भी कुकर वगैरह, ये भी बड़े बर्तन के लिए है, और एक मिनट ये बाउल्स के लिए है, एक मिनट हाथ हटाओ चीकू, और ये नीचे से खुलता है, ये बड़े बाउल्स के लिए, दोनों छोटे हैं। ओके, इसमें प्लेट थाली ट्रे वगैरह, और इसमें भी कुछ इनका स्टोरेज है, और सबसे मेन क्या है कुछ, ये दैट वन, ये सब्जियों के लिए भैया ने अपना खुद से करा रखा है, इधर दोनों ने मिलके अपना घर वो किया था। ये यहाँ पे है प्याज, प्याज आलू वगैरह रख सकते हैं, अभी तो खाली प्याज ही रखे हैं, और इधर आलू हवा लगते और है। हवा के लिए इन्होंने यहाँ पे ये सब भी करवा के रखा है, मॉडिफाई पूरा किचन बहुत अच्छा मॉडिफाई, अभी थोड़ा मैश ही हो रखा क्योंकि खाना वाना बना रहे हैं, और ये यहाँ पे भी इनका कुछ घी वगैरह जो भी है रखा हुआ है, और एक मिनट, और कौन, कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पे देखने पे कि अलमीरा है भी या नहीं है, क्यों कपिल, मैंने स्टार्टिंग में देखा तो मैं सरप्राइज रह गई, और दूसरी साइड अलग, हाँ तो ना ये देखो कैसे, चीकू एक मिनट, ये इतना अच्छा करा रखा है इन दोनों ने, अपना ये घर खुद ही अपने तरीके से बनवाया है, तो ये यहाँ पे मैंने कर रखे हैं इतने अच्छे से बहुत डिब्बे, चीकू साइड हो जाओ, ओके, और एक, हाँ ये यहाँ पे गंदा ना लगे तो ये सब कवर करा रखा है, ये ऊपर क्या लगा, गीजर, ये गीजर स्पेशली इसका है, हाँ, और ये बर्तन धोने के लिए इधर, तो ये यहाँ पे ये तो सब तो खाली रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे बर्तन धोने, दो सिंक है यहाँ पे, ये बर्तन धोने के लिए, क्या रखने के लिए, आरो लगे, हाँ ये आरो का है, इसके लिए अलग से यहाँ पे छेद करवा दिया है, और कुछ ये बर्तनों का रैक इधर भी है, छोटे मोटे अपने ज्यादा बर्तन हो तो धुल के हम, और इधर से ये, और ये है बालकनी का, और आपको ये भी मिल सकता है, और आपको अगर हवा चाहिए तो ये नेट का वो स्लाइड कर लो, अगर बिल्कुल खुद ही हवा चाहिए जिसमें हमें नेट की जरूरत ही नहीं, तो ये देखिए यहाँ पे सोसाइटी के अंदर का, ये फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं, इधर नहीं गिर जाओगे, तो ये है, और ये साइड वाली बात, ये इन्होंने गैस वाला गीजर लगवा रखा है, तो आपकी सब्जी का और पूरा स्पेस यूज है, वहाँ पे भी अलमीराज है ना, कुछ सामान रखने के लिए, वो भी इन्होंने स्टोरेज के लिए करवा रखा, लग नहीं रहा ये स्टोरेज है, ऊपर भी ये सब स्टोरेज है, ये अभी पुराना फ्रिज है, नया आने वाला जो पूरा फिटेड है, हाँ ये तो है, इसके टू पार्ट बना देंगे कपिल, है ना, और वहाँ पे भी पूरा स्पेस है और एडजस्ट है ना।
तो और ये इनकी पूरी फैमिली की फोटो है, ये फैमिली फोटो है। ये कुश है, ये छोटा सा कुश, और इसको देख लो अभी, ये वाला ये लड़का यही है। ये तनिश कहाँ गए, तनिश वो उधर बन गया, ये भैया और दीदी और उधर बोच है। और गाइस को मैं एक कला का दिखा के, तो अब चलेंगे हम बच्चों के रूम में। तो यहाँ आते हैं, एक होंगे कुश और तनिश के रूम में एंटर। तो यहाँ पे है कुश और तनिश का ये रूम। तो यहाँ पे ये डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है, और यहाँ पे है इनका वार्डरोब है, और यहाँ पे कपड़े, और यहाँ पे छुप के बैठ जाते हैं, बाहर आ जा बेटा। तो यहाँ पे इनके कपड़े रखे हुए हैं, स्लाइड वाला इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है। ये है, ये हाफ हेक्सागन है, पूरा भी नहीं है, ना स्क्वायर है ना सर्कल है, हाफ हेक्सागन जिसमे ग्लास रखे हुए ना। नहीं 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 बंद करो, नहीं वो भी स्टोरेज के लिए रखा हुआ, इतना मत ओपन करके दिखाओ। तो ये इनका बेड है, और ये टेबल रखी है यहाँ पे, दीदी प्रेस वगैरह कर लेती, अभी तो हमने अपना बैग वैग रखा हुआ है इधर। तो और ये स्टडी टेबल है जहाँ पे तनिश अपना लैपटॉप चला लेता, कुछ काम करना होता, क्लास वगैरह लेता था। ये दोनों पढ़ते हैं यहाँ बैठ के। ये कंप्यूटर टेबल है, और ये है एक प्यारा सा वॉच। यस, और इनके रूम की बाहर की मैं आपको बालकनी दिखा दूंगी, जितने भी कांच है वो सारे ब्लाइंड है। ओके हाँ, सारे ब्लाइंड है। ओके, और ये इन्होंने दो तरह का सिस्टम रखा हुआ है यहाँ पे, कि इस यहाँ पे भी आप ये ऐसा नेट का स्लाइड है, हर एक में है। तो यहाँ पे है इनकी ये बालकनी, और यहाँ पे फराटा रखा हुआ है, पेड़ पौधे लगा के रखे हुए हैं तनिश ने। ये यहाँ पे पुदीना है, इसमें भी इतना पुदीना क्यों लगा रखा है, हाँ मरवा है ये। और ये मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं दीदी ने, खा भी सकते हो, हाँ ये मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं इधर। और ये सब इतने, ये सब अभी खाली रखे हैं, अभी लगाएंगे। ये तुलसी माता, और ये है इनकी बाल, ये दीदी हर का रूम है, ये मैं बाद में दिखाती हूँ। ये पूरी लंबी बालकनी है, बहुत आप उधर खड़े हो जाओ वाली बालकनी के पास। हाँ ये उनके रूम का, ये अटैच है यहाँ पे, पूरी इतनी लंबी बालकनी है। बेटा गिर जाओगे, इधर आ जाओ। ये है यहाँ से नीचे का व्यू, कितने फ्लोर है इसमें, 14 फ्लोर की ये बिल्डिंग्स है। और ये यहाँ का व्यू, ये इनकी बालकनी से व्यू है, वो आप मैंने बुआ जी और फूफा जी के रूम से दिखाया था, और हॉल से। ये इनकी बालकनी का है, और नीचे का भी आप, और नीचे से भी आप देख सकते हो ये गाड़ियाँ पार्क करके। हाँ बेसमेंट है, बहुत अच्छी सोसाइटी, बहुत अच्छी सोसाइटी है। और ये है हम, मैं और कुश एंड, और ये है तनिश बेटा। और चलो अभी अभी लास्ट रहता है दीदी और का रूम, तो एक बार दीदी और का रूम और दिखा देती हूँ। अगर आप रात को ऐसे दिन में ऐसे देखते हो तो फिर इसमें से ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन बाहर से जाके देखो कुछ भी नहीं दिखता। हाँ ये ब्लाइंड है, ब्लाइंड है, लेकिन रात के टाइम उल्टा होता है। हाँ रात के टाइम वो क्योंकि वो अंदर की लाइट ऑन हो जाती है ना, फिर बाहर वो सन नहीं रहता ना। बार और लेके चलती हूँ आपको किचन में। तो ये रायता बनाया बहुत अच्छा, ये रायता बनाया था ये भैया ने, भर लिया, भैया से रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी, भूख के मारे इनकी बुरी हालत हो रखी है। और ये यहाँ पे इनकी ग्रेवी पक के रेडी हो गई, रेडी हो गई या नहीं, बस अभी होने वाली है। फिर क्या करोगे, मैरिनेट कर रखी है जो दोबारा से फ्राई होगी। और आप में से किसी को भी नहीं पता होगा कि कपिल इतनी अच्छी कुकिंग करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। हम दोनों का ही शौक है कुकिंग करना, दोनों ही माहिर है कुकिंग करने में। अगर बाय द वे मैं कभी बीमार हो जाती तो मुझे कभी कोई टेंशन नहीं रहती खाना वाना की भी बाहर से मंगाना पड़ेगा ये वो, तो हम दोनों किचन में घुसते। इनका तो इतना ड्यूटी सैर किचन फैशन है, इनका तो किचन में कुकिंग करना। और ये देखो माइक चुप कर, अरे नीचे से दिखा दो, ये इसने अपनी क्या बनाई है, गाड़ी, गाड़ी। और इसमें एक और ये रह गया था, सारी बॉल्स इधर है। हाँ ये इनका, ये फुटबॉल खेलते हैं ना ये इधर मंदिर के नीचे खाली सेक्शन पड़ा है। और इनके हॉल में एक ये है इधर वॉशरूम, तीन वॉशरूम है, दो अटैच है दोनों रूम्स में, और थ्री थ्री बी एच के है।
जाते हैं तो इधर है वॉशरूम, इधर तनिशर का रूम और ये है भैयार का रूम। तो ये यहाँ पे दीदी बैठी हुई है फोन में गेम खेल रही है। और ये है बाथरूम और ये इनका डोर के पीछे पूरा वार्डरोब है। ऐसे ही सेम पूरे हर रूम में नहीं, ओपन नहीं करना, ओपन नहीं करना, हाँ पूरा स्पेस अच्छे से वो मेंटेन करके रखा हुआ है। और यहाँ पे है ये वॉशरूम, इनका भी एक ऐसे ही सेम जैसे उनमें था, और नहीं ओपन नहीं करना। और यहाँ पे ये है, और ये इतना बड़ा हिरन रखा हुआ है रूम में, ये ड्रेसिंग टेबल है, और ये यहाँ पे टीवी के लिए वो रखा हुआ है। दीदी की शादी के अलमीरा है दीदी, ये दीदी अपनी शादी हुई थी जब लेके आई थी। ये ऊपर बस अपना ये लोयन वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे टीवी है और ये चेयर है, इसमें यहाँ पे टीवी वगैरह देख लेते हैं और यहाँ पे बैठे। और ये जो बालकनी का व्यू आ जाता है एक, तो ये है यहाँ से, मैंने आपको दिखाई दिया था। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैंने पूरे यहाँ का होम टूर दे दिया। अच्छा यहाँ बैठे कुछ हाय करो, दीदी हाय कर रही है, हेलो बाय। तो बाय, अभी बाय का टाइम हो चुका है क्योंकि मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।